अभी मैं हूँ देवदरा। क्या इसमें सुविधा है बोलो ना भाई। ये रोड कहाँ था, मुर्मी एक तरह डाल दिया, चार डाला मुर्मी डाल दिया। और ये चेक करो भाई, ड्रोन उड़ाते हैं यार। ड्रोन ऑल सेट हो चुका है अब। व्हाट्सअप पे ब्यूटीफुल पीपल, दिस स्मार्ट ईयर्स की हालचाल, सत श्री अकाल। अभी मैं हूँ देवदरा, तो पड़ता है सराईपाली से करीबन 20-30 किलोमीटर। और इधर है शिव मंदिर, यहाँ पे बैठे हैं दादा लोग, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ के गवर्नमेंट है उड़ीसा के, तो उसके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। और काम नहीं हो रहा है भाई, हमारे यहाँ ये मंदिर को कितना दिन का है हमको मालूम नहीं है, हमारा पिताजी को मालूम नहीं है। इतना दिन से ये मंदिर हुआ है, इसमें कोई भी रास्ता नहीं है, देखने के लिए जगह नहीं है, पानी पीने के लिए जगह नहीं है, और पिकनिक करने के लिए आते हैं आदमी तो यहाँ परेशान होता है, कचरा फैला रहता है। क्या इसमें सुविधा है बोलो ना भाई। हमारे देवता के स्थल है, हमारे यहाँ पश्चिम देवता के स्थल है, गारंटी है। कितना बढ़िया पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है, क्या काम है, कुछ नहीं। देखने के लिए जगह है पर आने जाने के रास्ता भी नहीं है। ये मंदिर बना कब से था ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे भाई, लेकिन पिताजी से और पिताजी से आप लोगों के भी और पूर्वज लोग पुराना है ये। और यहाँ का ये मंदिर का कुछ बात, मंदिर बना है जब से आदमी यहाँ आते हैं, हमारे तो ईश्वर बाबा का मंदिर है यहाँ, फिर शिवरात्रि का। हाँ, ये प्रकट जगह है, यहाँ कोई स्थापना नहीं हुआ है, शिव प्रकट। और यहाँ उड़ीसा का जो सरकार है, यहाँ के लिए कुछ करा है अभी तक? कुछ नहीं करा, क्या करा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा है, क्या करा है इसमें। तो उड़ीसा के सरकार से आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं भैया, हमारे मंदिर को रास्ता बना दे, जो उड़ीसा का जो रास्ता है सभी बना दे, यहाँ गार्डन बना दे, पिकनिक के लिए जगह बना दे, सुविधा दे, जितना भी तीर्थ स्थल में जितना सुविधा रहता है उतना सुविधा यहाँ भी कर दे, तब तो होगा भाई। गाड़ी से घर के आते हैं तो रोड में खचका ढिपरा में आते हैं, यहाँ खाने पीने का मन नहीं लगता है, देख तो कितना दिखता है, हरियाली दिख रहा है, अभी गार्डन अच्छा रहता है, कितना अच्छा लगता है। अब गार्डन भी नहीं है यहाँ, पानी का सुविधा नहीं है। उड़ीसा सरकार को निवेदन है कि ये जगह को आके देखे और यहाँ विकास करे, तब तो बनेगा। पहले कुछ साल पहले ये रोड भी नहीं था, ये रोड कहाँ था, मुर्मी एक तरह डाल दिया, चार डाला मुर्मी डाल दिया। हमारा ये क्या गांव की गस्ती जी का रोड तो देखा है नहीं भाई, आदमी मर जाएगा, दिन में मर जाएगा। उड़ीसा के सरकार से ये मंदिर के लिए क्या चाहते हैं? ये भाई हमारा मंदिर तो बन गया है, दिख रहा है, उसको थोड़ा डेवलपमेंट करेगा तब तो बढ़ेगा, सुविधा दे भाई, यहाँ पानी कर दे, गार्डन कर दे, रोड रास्ता बना दे, और जो आसपास कचरा फैल रहा है, जो पिकनिक आ रहा है, साफ सफाई कर दे भाई, यहाँ आदमी रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कूड़ादान रहता तो आदमी लोग उसमें डालते, अभी कूड़ादान नहीं है तो इधर उधर फेंक के जा रहे हैं। कोई साफ सफाई यहाँ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे जो दादा लोग थे, कुछ उड़ीसा के जो गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ चाह रहे हैं, जो यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये बोला जाता है तीर्थ स्थल, यहाँ पे लोग आते हैं। उड़ीसा के गवर्नमेंट तक बात पहुँचेगा तो प्लीज वीडियो को पहुँचा देना। तो अभी ट्रैक करते हैं ऊपर मंदिर है, उससे आगे व्यू पॉइंट है। मैं इससे पहले भी आया हुआ था यहाँ पे, तो रोड के बारे में बोला था तो उसका थोड़ा सा क्लिप है वो चेक करना। यहाँ का रोड का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है ऑफ रोड है, जबकि ये रोड बन के टूट चुका है एक बार, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है ये रोड का, इसको ध्यान देना चाहिए उड़ीसा की गवर्नमेंट को। अभी निकलते हैं ऊपर ड्रोन भी उड़ाते हैं, ड्रोन शॉट भी आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी पिकनिक आए हुए थे, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। चलते हैं ऊपर और ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ड्रोन शॉट लेता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग का, तो आप लोग ड्रोन शॉट एंजॉय करो। अभी ड्रोन मेरे हाथ में आ चुका है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा थक गया हूँ ड्रोन उड़ा उड़ा के, क्योंकि इधर से धूप आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे है मोतीलाल भैया, वहाँ पे है अरुण भैया, साथ ही में हम लोग अभी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं व्यू पॉइंट में, वहाँ से कुछ ड्रोन शॉट लेने का ट्राई करेंगे। तो ड्रोन शॉट कैसे लग रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस व्लॉग में ऐसे ही मैं ड्रोन शॉट लाते ही रहूंगा, और व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पहले भी यहाँ आया हुआ था बचपन में, जब मैं बच्चा था, 2-3 साल पहले आया हुआ था यहाँ पे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पेड़ हुआ करता था आसपास में, एकदम सकरा सा जगह रहता था। थोड़ा पहले से ठीक है ट्रैकिंग,
शायद पेड़ वेड़ को यहाँ काटे होंगे क्योंकि यहाँ पे आते रहते हैं रोज, यहाँ पे भीड़ लगे रहता है। ज्यादातर यहाँ पे संडे को बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं। और आगे चल के मैं व्यू दिखाता हूँ। और सुमित और मन्नू भैया नीचे रुके हुए हैं, वो लोग बोले कि हम लोग थक गए हैं, हम लोग जाते हैं ड्रोन शॉट लेते हैं, साथ ही साथ व्यू पॉइंट दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना मस्त लग रहा है। और साथ ही साथ मैं अभी ड्रोन उड़ाने वाला हूँ। और ये चेक करो भाई, क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त। पहले मैं एंड्रॉइड से शूट करता था और अभी आईफोन में आ चुका हूँ, अच्छा से अच्छा शूट देखने को मिलेगा। एक गहरा देखो भाई, ड्रोन उड़ाते हैं और आप लोगों को शॉट दिखाते हैं। आप लोगों ने ड्रोन शॉट देख लिया होगा, मेरा हालत भी देख सकते हैं, इतना ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब चलते हैं व्यू पॉइंट में, बस थोड़ा ही दूर में है व्यू पॉइंट, वहाँ पे सब आके फोटो वीडियोस बनाते हैं। पहले आया हुआ था यहाँ पे फोटोज वीडियो बना के गया हुआ था और ड्रोन का भी फिर मैं वापस ले आया हूँ। करीबन मेरा सेकंड टेक था ड्रोन का। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना मस्त व्यू लग रहा है और साथ में पहाड़ और ट्रैकिंग, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे घूमना, ट्रैकिंग करना ऐसे पहाड़ी इलाका, बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है मेरे को और ये सब मेरे को पसंद है। अभी मेरे ड्रोन का बैटरी खत्म हो चुका है तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मोर कॉम्बो में जो तीनों बैटरी आया था, तीनों बैटरी अच्छे से यूज आ रहा है। तो पहले चेक कर लेता हूँ मैं इसमें ज्यादा चार्ज है तो इधर वाले में है, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं अपना ड्रोन को ऑफ। ऑफ करने के बाद यहाँ से निकाल लेते हैं हम बैटरी। ये आ चुका है जी अपने हाथ में बैटरी, जो कि लो हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में। ये जो चार्ज बैटरी है उसको फिट करते हैं, उसके बाद फिर से उड़ाएंगे ड्रोन और ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ से पहले ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। ड्रोन ऑल सेट हो चुका है, अब ड्रोन उड़ाते हैं। पहले ड्रोन को रखता हूँ साइड में, उसके बाद ये बैटरी रखता हूँ साइड में, इसको कर लेता हूँ पैक। जब से ड्रोन आया है ना तब से मैं खाली ड्रोन 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 कर रहा हूँ। तो ड्रोन शॉट दिखाता हूँ और गोरी सारी थी बाई निजर खारी गोरी देखी चमकी फोड़ी थी बाई कहार किस्मत थी ईता की लेखी धेमी बोली जुगे तेल पहला बसी भाभी थी बाई आए हाय असरी तत्निहारी। यहाँ पे पूरा 360 कुछ ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं भाई व्यू। और अभी इस व्यू में मैं ड्रोन उड़ा रहा था और आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो चुका है और पानी भी सूख चुका है तो यहाँ पे झरना नहीं है। पहले भी व्लॉग बनाया था तो उसमें लिखा था देवदरा वाटरफॉल। ट्रैकिंग फिर से हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग करीबन 15 से 20 मिनट तक बैठे हुए थे और इधर उधर व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आके कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, मजा आ गया भाई। और थकान लग रहा है? थकान तो लग रहा है, उतना ज्यादा नहीं। पैर में बहुत ही ज्यादा गड़ रहा है पत्थर, नुकीला पत्थर है वो बहुत ही ज्यादा गड़ रहा है। चलते हैं वहाँ पे वेट कर रहे हैं सुमित लोग और वीडियो एंड करते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा देवदरा का ट्रैकिंग, शिव मंदिर, साथ ही साथ ड्रोन शॉट। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे और पानी भी लोगों के लिए खत्म हो चुका है और यहाँ पे मन्नू भैया और सुमित भैया सब भैया और हर्ष भैया भी साथ में है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।